एक बार फिर आपका स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। अब जानते हैं कोविड के हवाले से आज मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी सेकंड सर्च के बाद 1756 केसेस 1756 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, जो लास्ट टाइम से कम 1000 कम हैं अभी। बट एक चौंकाने वाले नतीजे ये हैं कि आपके 21 कैजुअल्टीज इस बार हुई हैं, जो लास्ट टाइम 22 थी 2700 केसेस। तो जो मॉर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा सा हाई साइड पे है। आज की डेट में भी 5 पेशेंट जो हैं हमारे वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 21 डेथ्स जो मैंने आपको पहले बताया हुई हैं, आज की डेट में भी हमारे पास 11 कंटेनमेंट जोन्स हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, जैसा मैं पहले भी अपील करता रहा हूँ, कि कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। हमें उस वायरस को अपने आप से दूर कैसे रखना है वो हम अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको फॉलो करके रख सकते हैं, जिसमें मास्क पहनना, कॉन्स्टेंटली हाथ साफ करना, एक दूसरे के गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, इन सब चीज़ों को हम अगर अपनाएंगे तो हम कोविड के जो वायरस है उसको अपने आप से दूर रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव पेशेंट्स को कोविड, जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनको कोविड किट्स जो हैं, मेडिसिन की किट्स जो हैं, अलॉन्ग विद आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, डिफरेंट तरह की मेडिसन्स हैं, वो प्रोवाइड की जा रही हैं। वो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने 1097 जो हैं वो कोविड किट्स प्रोवाइड की हैं, हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन, जैसे आप पहले जानते हैं, हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कुछ मटेरियल आ चुका है, एक दो कंपोनेंट उसके बाकी हैं, वो भी टाई अप कर रहे हैं। यूं ही वो आएंगे तो आपका ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ 15 LPM का वो फंक्शनल हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पाइपलाइन हमने बिछानी थी ऑक्सीजन के लिए कोविड हॉस्पिटल के अंदर, वो उसका काम जो है वो चल रहा है और बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 70 बेडेड जो है वो डायरेक्ट सप्लाई जो है कोविड हॉस्पिटल की, वो सीधी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ लिंक हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक में हमने एक डोर टू डोर कंपेन चलाई थी वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें हमने अबव 45 जो वैक्सीन है वो 2198 लोगों को वैक्सीन की है। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ लोग वैक्सीन के लिए खुल के आगे नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में अभी भी हेजिटेंसी वैक्सीन को लेके है। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करूंगा कि वैक्सीन के लिए खुल के आगे आए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हमारे पास दवा है जो प्रिवेंट कर सकती है कोविड से हमें। जैसा आप सब ने वैक्सीनेशन लगवाई है, मैंने भी वैक्सीनेशन लगवाई और हमें दोनों डोजेज लग चुकी हैं, वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। इस अभी भी हमारी जो परसेंटेज है वैक्सीनेशन की एज पर टोटल 83% है 45+, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाके में हमने वैक्सीनेशन की है, कोई 2000 के करीब आज की डेट में ऐसे देर आर पीपल जिनका अभी हमें डाटा अपलोड करना है, बिकॉज आप जानते हो कि 40% शेडो एरिया है, वहाँ हम फिजिकली वैक्सीन करते हैं और यहाँ आके रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो वो 86 और 87% के करीब 45+ की हमारे पास वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज से हमने कल सुबह से जो दो मॉपिंग एक्सरसाइज हमने पीछे, एक मॉपिंग एक्सरसाइज हुई थी जिसमें पूरा डाटा डिराइव किया था, कल से हम एक डोर टू डोर कंपेन फिर शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे BLOs, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स हर घर घर में जाके ये वेरीफाई करेंगे कि किसको वैक्सीन लगी है, किसको नहीं लगी है, और वैक्सीनेशन की टीम्स भी साथ रहेंगी ताकि उनको लेफ्ट ओवर जो 45+ लोग हैं उनको हम 100% वैक्सीनेशन करें, और एक एग्जैक्ट डाटा भी हमारे पास आ सके कि हमारे कितने लोग उसमें बचते हैं।
ऑल्दो हमने एक डाटा कंपाइल किया है, बट उसको रीअश्योर करने के लिए कल से फिर 5 दिन के लिए हम डोर टू डोर कंपेन चला रहे हैं वैक्सीनेशन की। और आपके माध्यम से मेरी सबको अपील रहेगी कि जो लोग बचे हुए हैं वो इसकी वैक्सीनेशन कराएं। कल ही एक स्टडी जो आप सीएमओ साहब ने सुबह बताया कि दिस वैक्सीन इज आल्सो सेफ फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, तो अब वो लोग भी वैक्सीनेशन में जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वीकली डाटा बता दूं, लास्ट हफ्ते में हमारे पॉजिटिव केसेस आए थे 92 और इस हफ्ते में 94। ये एक चिंता का विषय है, इसलिए मैं पहले भी मैंने कहा है हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। लास्ट वीक हमारी 101 रिकवरीज थी, दिस वीक 69 रिकवरीज हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में भी हमारे पास जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो 157 हैं। सो एक टाइम था हमारे सबसे कम पॉजिटिव पेशेंट हुआ करते थे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बट आज की डेट में हमारे ज्यादा हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, ये आपके माध्यम से मैं सबको अपील करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट लगता है, किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं, वो इमीडिएटली अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट कराए और अपने आप को आइसोलेट करें। यहाँ तक पॉजिटिविटी रेट का सवाल है, लास्ट वीक हमारी पॉजिटिविटी रेट जो था 1.12% था और इस हफ्ते में हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है 1.09% है। इसके साथ साथ एक बार फिर मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करूंगा, किश्तवाड़ के लोगों को, कि वैक्सीन से मत डरें और खुल के आगे आए। हमने 18 to 44 ईयर्स की वैक्सीन भी स्टार्ट की है, उसमें भी अभी तक हम 8000 से ऊपर लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं और उसमें भी हम एक मुहिम चला रहे हैं जो कंजेस्टेड एरियाज हैं उनको प्रायोरिटी में, यहाँ पे नेट है बिकॉज वहाँ अपलोडिंग करनी पड़ती है, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, तो हम उन एरियाज को जो कंजेस्टेड हैं, जैसे आपका किश्तवाड़ का एरिया है, आपके मंडल का सराउंडिंग एरिया है, शात्रु है, आपका अठोली है, मुगल मैदान है, धर्मशाला है, हम इन कंजेस्टेड एरियाज को पहले टारगेट करेंगे और उसके बाद बाहर जो है वो उसकी 18 to 44 जो एज ग्रुप है उसकी वैक्सीनेशन भी करेंगे। धन्यवाद।